हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वेस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएलएड की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डीएड में अभी कितने सारे खाली सीट्स बचे हुए हैं, पूरी कॉलेज वाइज यहाँ पर सीटों की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि बीएड की सेकेंड राउंड की सेकेंड काउंसलिंग आई थी, उसे आरक्षण के वजह से रद्द करना पड़ा था। इसलिए दोस्तों, वही लिस्ट यहां पर दोबारा जारी होने वाली है, लेकिन वह जो है सेम लिस्ट यहां पर दोबारा जारी नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट के जो आदेश के अनुसार उसमें रिजर्वेशन में थोड़ा सा अपडेशन किया जाएगा, जिससे दोस्तों कुछ सीटों में आपको जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के बीएड कॉलेज में कितने सारे सीट्स अभी खाली बचे हुए हैं। आपको बता दूं कि राज्य में बीएड के यहाँ पर टोटल 14,400 सीटें हैं। सेकेंड काउंसलिंग हो जाने के बाद अभी जो है 3,734 सीटें अभी भी खाली बची हुई है। इन्हीं 3,734 सीटों पर आज जो है लिस्ट आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि कॉलेज वाइज कितने सारे वैकेंट सीट्स अभी भी बची हुई हैं, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस जो है पीडीएफ पर देख सकते हैं। यह पीडीएफ दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग का फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन के बाद जारी किया हुआ पीडीएफ है। जो मेरे पास था उसको यहाँ पर मैं जो है पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस पीडीएफ में आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिल जाएगा, कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों ऑक्यूपाइड सीट्स यानी जो सीटें भर गई है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और वैकेंट सीट में वही सीट है जो अभी खाली बची हुई है। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज कांकेर है उसमें अभी भी सीटें बची हुई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो देख सकते हैं 33, 21, 18, 10 इतने सारे अभी जो है सीट्स खाली बची हुई हैं। सो दोस्तों, इन्हीं खाली सीटों पर जो है आज की जो लिस्ट आने वाली है। आप यहां पर देखेंगे तो 44, 60 बहुत सारे कॉलेजेस में काफ़ी अधिक मात्रा में अभी भी सीट्स बाकी बची हुई है। जैसे जैसे फ्रेंड्स इस पीडीएफ में आप नीचे आते जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज का नाम, साथ ही उस कॉलेज में कितने सारे वैकेंट सीट हैं अभी भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज में यहाँ पर 71 तक जो है सीट्स बची हुई है। वहीं बात करें गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर की, तो देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी यहाँ पर अभी भी 9 सीटें यहाँ पर खाली बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अदर जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी अभी भी सीटें यहाँ पर खाली बताई जा रही है। तो आप इस पीडीएफ में जिस कॉलेज का भी वैकेंट सीट देखना चाहते हैं, यहाँ से पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो है टेलीग्राम पे वीएस ऑनलाइन टिप्स लिख के सर्च कर सकते हैं, वहां पर हमारा जो है चैनल का लोगो दिख जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने डिस्क्रिप्शन पे एक जो है लिंक भी दे दिया है, वहाँ से जो है डायरेक्ट आप जो है हमारे चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसके साथ ही काउंसलिंग के बारे में सारा प्रोसेस जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालें आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके।